नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड, यूएई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी हो सकते हैं या आप लोगों के साथ ये समस्या आ भी रही है, आप सबको पता ही है। क्योंकि क्वारंटाइन जब से ये कोविड-19 जब से चला है, कोरोना की महामारी, उसकी वजह से बहुत सारी जनता का जॉब चला गया है जो विदेश में रहते हैं। खास तौर से हम बात कर रहे हैं यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ, बहुत सारी दुनिया लोगों के जॉब चले गए, लोग घर आ रहे हैं, बेरोजगार हो गए, कंपनी बिना बोले घर से उनको निकाल दिया, कंपनी से सैलरी कम कर रही है वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें आपको बताऊंगा सैलरी से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, अगर कंपनी आपकी सैलरी कम करती है, सैलरी काटती है, तो उसका एक अग्रीमेंट होता है। जी हाँ साथियों, ऐसे हालांकि भैया चलता है, सब जगह ऐसा ही होता है, कंपनी ने मुँह से बोल दिया आपकी 4 महीने सैलरी कटी जाएगी, लोग मान भी लेते हैं, जबकि सच्चाई है कि इसको दूसरे तरीके से लिया जाए। दुबई लेबर लॉ की हम बात करेंगे, यूएई दुबई लेबर लॉ, जिसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोविड-19 में आपकी सैलरी कम की जा रही है, तो उसमें आपका अग्रीमेंट होता है कंपनी के साथ में, मालिक के साथ में, जो जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं, उसमें लिखित में अग्रीमेंट होता है। जो पहले वाला अग्रीमेंट चल रहा है वो साइड में हो जाता है। दूसरा एक अग्रीमेंट होता है जिसमें होता क्या है कि भाई उसमें एक रीज़न दिया होता है कि इस वजह से आपकी मतलब सैलरी कम की जा रही है, ये रीज़न है। तो रीज़न जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है कोरोना महामारी में, तो आपको पता है हर आदमी की सैलरी कम हो रही है, या फिर जो मालिक है आपकी आपकी कंपनी है उनके भी बिजनेस डाउन चल रहा है, तो वो तनख्वाह पूरी आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसका अग्रीमेंट करना जरूरी है। दोनों की सहमति से एक अग्रीमेंट होता है। मैं बता दूं दुबई यूएई लेबर लॉ 2020 में कानून बनाया साथियों, जिसमें अधिनियम 200279, जी हां साथियों, 279 अधिनियम में इसमें बताया गया है कि जब दोनों की सहमति से, जब तक ये जिस वजह से आपकी सैलरी कम की जा रही है, जैसे कोरोना महामारी चल रही है, तो जब तक ये पूरा खत्म नहीं होता, जैसे 6 महीने लग गए, साल भर लग गए, तब तक आपका एक अग्रीमेंट होगा जिसको आप अस्थाई अग्रीमेंट बोल सकते हैं। जी हाँ, वो 4-6 महीने के लिए होगा, जब तक आपकी वो प्रॉब्लम है, जिसमें अस्थाई तौर से या अस्थाई तौर से जो सैलरी कंपनी आपकी कम करेगी वो उसमें लिखित में होगी। अनुच्छेद 2 में भाग 4 और भाग 5 में ये प्रावधान किया गया है। आपको करना क्या, कुछ नहीं करना। अनुच्छेद दुबई का जो लेबर लॉ है उसमें अनुच्छेद 1 के अनुसार मैं बता दूं, जैसे सैलरी कम कर रही है तो दोनों को आपसी सहमति से एक प्रपत्र तैयार करना होता है जिसको अग्रीमेंट बोल सकते हैं, अस्थाई अग्रीमेंट। जी हाँ, उसमें एक प्रति आपके पास रहेगी, एक प्रति आपकी अग्रीमेंट कॉपी आपके पास रहेगी, एक अग्रीमेंट कॉपी आपकी कंपनी आपका मालिक है उसके पास रहेगी। जी हाँ, ये अग्रीमेंट जब तक माने होगा जब तक आपकी जो समस्या है वो खत्म नहीं हो जाती। जैसे कोरोना पे आपका अग्रीमेंट कम हो रहा है, तो कोरोना जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक वो माने होगा। जैसे ही वो कोरोना खत्म हो जाता है, बीमारी खत्म हो जाती है, तो वो अग्रीमेंट स्वतः ही ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होते ही आपका जो पहले वाला अग्रीमेंट है, जैसे पहले आपकी सैलरी 1500 थी, इसमें कोरोना महामारी में आपकी सैलरी 1000 रुपये कर दी, तो जैसे ही ये कोरोना खत्म होता है, गवर्नमेंट घोषणा कर देती है भाई कोरोना महामारी खत्म है, वैसे ही वो अग्रीमेंट स्वतः खत्म होके आपका जो पहले वाला 1500 वाला अग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। अगर उसमें यहाँ दिक्कत आ जाती है, सुन लीजिए गौर से, अगर उसमें मान लीजिए फिर भी आपकी कंपनी आनाकानी करती है कि भाई नहीं हम तो ये अग्रीमेंट रखेंगे, आपकी सैलरी कम है ये रखेंगे, तो आपके पास फिर ऑप्शन बचता है कंपनी को, आप बोलिए कंपनी फिर भी नहीं मानती है, तो आप मोहरे में प्रस्तुत हो सकते हैं। जी हां साथियों, मोहरे में आप जा सकते हैं। आप मोहरे क्या है बता दूं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड इमिग्रेशन। जी हां साथियों, ये मोहरे शॉर्ट है इसका, इसमें आप खुद वहां पे खुद आप जाके वहां पे ये अपना पक्ष रख सकते हैं अग्रीमेंट के साथ में कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। ये बता दूं साथियों, 26 मार्च 2020 को ये एक्ट बना था कोविड-19 की वजह से, 1 अप्रैल से ये लागू हो चुका था। जी हाँ साथियों, सैलरी अस्थाई और अस्थाई रूप से कटौती के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप मोहरे में प्रस्तुत होने के बावजूद भी अगर कंपनी आपका समाधान नहीं करती है, तो साथियों मोहरे में फिर आपको लिखित में आपके पास जो अग्रीमेंट है उसको आधार बना के उसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं, जहां से आपको 100% ये फैसला आपके पक्ष में आएगा, जिससे कंपनी आपकी सैलरी समय पे दे, आपकी कटौती न करें। जैसे अग्रीमेंट खत्म होता है आपका पहले वाला अग्रीमेंट है वो स्वतः ही स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपको भविष्य में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बस यही है, उसमें सैलरी आपको सबूत के साथ मोहरे में आपको पेश होना है, जिसमें आपका ओरिजिनल अग्रीमेंट जो पहले वाला और अस्थाई अग्रीमेंट जो वो लेके आप मोहरे में आपको पेश होना पड़ेगा, जिसमें उसमें सब बातें लिखी हुई होती है कि भाई ये कोविड-19 महामारी की वजह से सैलरी कम की गई है, सरकार ने घोषणा कर दी कोविड-19 महामारी
खत्म हो चुकी है तो मेरा अग्रीमेंट जो पहले वाला है वो उसी से मुझे सैलरी दिलाई जाए। तो बस साथियों यही था आज मैंने सैलरी से रिलेटेड आपको बताया। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो रही है तो आप इस तरह से अपना जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। रोज इसी तरह से मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, जानकारी शेयर करता रहूंगा। तो वीडियो भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।